Hello guys and our question is एक लॉगरेक्वेशन दिया गया है और हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है टू गेट दैल्यू ऑफ एक्स ठीक है चलिए इस लॉगरे इक्वेशन को सोल्व करते हैं लेकिन इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व करने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे ऑफ लॉगरिथमिक जिसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को और आसानी से सोल्व कर पाएंगे तो फॉर्मूला है लॉक टू बेस ए ऑफ एम इज इक्वस टू एक्स देन इट सिंप्लीफाइज दैट ए टू पावर एक्स इज इक्वस टू एम ठीक है ये का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो यहाँ तो पे हो जाएगा इसी फॉर्मूले के बेसिस पे इस लेफ्ट के सिंप्लीफाई कीजिए फर्दर हम यहाँ पे पहले लॉक टू को हटाएंगे यूजिंग दैट फॉर्मूला तो ये हो जाएगा लॉक टू हटाइए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा ये बचेगा इसे लिख लीजिए लॉक टू दी बेस थ्री Of log to the base of x is equals और वन पॉवर में टू टू दावर वन ठीक है जो आप डायरेक्टली सीधा टू ही लिख सकते हैं सिमिलरली अगेन हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे या आप कह सकते इस फॉर्मुले को हम यूज करेंगे to eliminate that log to the base है? अगेन वही प्रॉपर्टी तो अब यहां पे जैसे आप इस लॉक टू दी बेस थ्री को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा लॉक टू देश टू ऑफ एक्स तो लिख दीजिए लॉक टू देश टू ऑफ एक्स और राइट हैंड साइड में क्या होगा यहाँ पे जो बेस है राइट हैंड साइड में आ जाएगा और ये जो राइट हैंड साइड में टू है वो उसके पावर में आ जाएगा ठीक है तो थ्री का स्क्वायर क्या होता है दैट इज इक्वल टू नाइन अब फिर से एक बार वही फॉर्मूला यूज करते हैं ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको आप नोट कर लीजिए अब आगे बढ़ते हैं अगेन इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए अब यहां पे इस लॉग टू बेस टू को हटाइए तो जैसे आप इस लॉग टू बेस टू को हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा दैट इज ओनली एक्स तो एक्स लिख दीजिए और राइट हैंड साइड में ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो बेस टू है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा और जो नाइन है वो पावर में आ जाएगा तो वैल्यू आ गई टू टू पावर नाइन So finally, we have solved the above given logarithmic equation and gotten the value of x that is equals to 2 to the power 9. So that's our answer. I hope you have understood this well. Thank you.